आज का वीडियो साउंड टेस्ट से रिलेटिव है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है और इसका कैसा साउंड क्वालिटी आता है। ये मैं बता रहा हूँ 20-30 का जो बोर्ड होता है, ठीक है, TDA का या 20-50 उसी का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका साउंड टेस्ट। ऐसा आपको बनाने के लिए, ठीक है, आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, बदलाव क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं पहले ही बता चुका था, इसमें आपका 2 IC जो है, ठीक है, वो आप 20-30 का यूज ना करके सब ऊपर के लिए, ये जो 2 IC है, ये आपका जो 2 IC दिख रहा होगा, 1 मिनट मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। ये जो 2 IC आपको दिख रहा है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों IC सब ऊपर के लिए है, ये दोनों IC सब ऊपर के लिए है, और ये दोनों IC सेटेलाइट के लिए है, ये 4.1 है, ठीक है। तो अगर साउंड क्वालिटी बेहतर चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, साउंड क्वालिटी बेहतर के लिए आपको ट्रांसफार्मर कितना चाहिए, तो ट्रांसफार्मर 12012 में, ठीक है, 12012 में 5 एम्पियर होना चाहिए, और वो भी कॉपर में हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और इसका मैं कनेक्शन नहीं, मैं बस आज साउंड टेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, फिर भी मैं इसे ओपन करके कुछ दिखा दिया, ठीक है। कनेक्शन के अगर बोलेंगे तो मैं कनेक्शन के बारे में भी दिखा दूंगा, बता दूंगा। और इसके साथ में एक और किट अटैच किया हूँ मैं, यहाँ पे ये अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये बेस्ट ट्यूबल किट लगाया हूँ, ठीक है। और ये सबवूफर के लिए नहीं है बेस्ट ट्यूबल किट, ये बेस्ट ट्यूबल किट बस खाली सेटेलाइट के लिए लगाया हूँ, ताकि सेटेलाइट का जो साउंड है वो और बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से आपको एक साउंड टेस्टिंग का एक क्लिप और फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको महसूस हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ ये बिल्कुल बेहतर है और कम से कम बजट में आपका ये रेडी होगा। जो बोलते हैं इतना महंगा महंगा इस्तेमाल कीजिए, तो उतना ज़्यादा पैसा लगाने से बेकार है, कि एक छोटा सा किट से भी अच्छा बजाया जा सकता है, बस उसका जो कंपाउंड इसमें जो दिया लगाया हुआ रहेगा वो आपका बेटर होना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो इसमें सराउंड सिस्टम भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी वॉल्यूम अलग तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं, बैलेंस की जगह पर या अलग जगह पर वॉल्यूम लगा सकते हैं, बट मैं उतना नहीं किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका ये साइड देखिए वॉल्यूम लगाया हुआ है, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ, ये साइड देखिए वॉल्यूम है इसका, ठीक है, ये ऐसे कुछ, ये 1-2 और एक इधर 1-2-3 और एक ऊपर मेन वॉल्यूम ये है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीका से है। तो चलिए मैं आपको फिर से इसका साउंड टेस्ट के बारे में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसका जो भी है क्वालिटी बिल्कुल बेहतर है, ठीक है, मैं आपको ये साइड करके दिखाता हूँ कैमरा। तो देखिए ये साइड, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें काफ़ी बेहतर है, ऐसा नहीं कि कम आवाज़ आता है, काफ़ी बेहतर साउंड है इसका, ये ठीक है, इसका बेहतर साउंड है, आपको महसूस हो जाएगा। एयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, आपको ज़्यादा पता चले, बेहतर पता चलेगा। ये सेटेलाइट वाला है स्पीकर, ठीक है, ये सेटेलाइट का है, ठीक है, ये बेस में कट गया, सेटेलाइट के लिए बेस कट किया, अब बेस दे रहा हूँ इसके लिए, ये इसका ट्रिबल खत्म किया, ट्रिबल इसका बंद किया हूँ, अब ट्रिबल इसको ओपन कर रहा हूँ, ये अब देखिए मैं बूफर का दिखाता हूँ, सब बूफर का, अगर 8 इंची का होगा या 6 इंची का होगा तो बेहतर बजेगा, ये तो मेरे पास में 10 इंची है, फिर भी ये बेहतर काम कर रहा है, देखिए दिख रहा होगा आपको, दस इंची में है ये आपका सबवूफर, ठीक है। फिर भी इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेस्ट है इसका, ठीक है, ठीक है, आपको महसूस हो रहा होगा। एयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। मैं ट्रिबल इसका बंद करता हूँ, बस खाली बेस चालू रखता हूँ, देखिए यहाँ पे, महसूस आपको हो रहा होगा। ये मैं इसका ट्रिबल बंद कर चुका हूँ, सैटेलाइट का जो साउंड था वो बंद कर दिया हूँ, ओनली बस बेस है इसमें, ओके। इसका कॉइल तो मैं नहीं देखा पाऊँगा, इसका जो कॉइल है मैं नहीं देखा पाऊँगा, यहाँ पे अंधेरा है, फिर भी यहाँ पे इतना देखिए,
ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।